तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका इस हफ्ते की Q&A वीडियो के अंदर। मतलब आप लोगों के क्वेश्चंस आज जो मेरे पास आए हैं काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने कोशिश करी है नए नए बंदों के भी क्वेश्चंस लेने की आज, और थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जो कि जिन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं कम्युनिटी टैब की पोस्ट में। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था पोस्ट डालने में, वीडियो प्रॉब्ली थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन जो भी आज हम Q&A करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हैं। और अगर आपको पीछे कुछ शोर वगैरह सुन रहा है तो उसके लिए सॉरी, पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, क्या क्या होता रहता है आजकल कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस, लेकिन उससे पहले आप लाइक बटन जरूर दबा दें क्योंकि मजा जो आता है Q&A वीडियो बनाने में वो बिल्कुल अलग ही लेवल का आता है। पहला क्वेश्चन आता है शिवाजी की तरफ से, पूछते हैं WCW ऑल्सो टेलीकास्टेड इन इंडिया, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। भाई देखो, मैं उस टाइम पे कुछ ज्यादा टीवी नहीं देखता था तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उस समय क्या लाइव WCW आती थी या फिर नहीं, लेकिन इतना मैं तो बता सकता हूँ कि लाइव तो नहीं आती होगी क्योंकि WWE भी बहुत सालों बाद जाके लाइव आनी शुरू हुई थी। और आई थिंक कि WCW जब एक्चुअली में एयर होती थी तो इंडिया के अंदर उनका कोई यहाँ पे टेलीकास्ट नहीं होता था, इस वजह से क्योंकि उस समय इंडियन टेलीविजन के ऊपर रेसलिंग नहीं ज्यादा दिखाई जाती थी। पहली रेसलिंग आई थिंक जो इंडिया पे आई थी वो WWE ही थी, और उस समय शायद ऑलरेडी WWE जो है वो WCW का परचेज कंप्लीट कर चुकी थी, और शायद होता यही रीजन था कि हमें उसके थ्रू जो है वो WCW इंडियन टीवी पे देखने को मिली, ना कि तब जब 1990s के टाइम पे WCW एयर होती थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है आम जिंदगी की तरफ से, मेनी फैंस हेट ब्रॉक लेसनर अननेसेसरली बिकॉज ही इज अ पार्ट टाइमर बट आई थिंक WWE नीड्स मोर देन ही नीड्स WWE, योर ओपिनियंस ऑन दिस। भाई देखो, ब्रॉक लेसनर को हेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा टैलेंट है जो पूरी WWE में और किसी सुपरस्टार के पास है नहीं, यानी कि इतनी कम अपीयरेंसेस करके बिना कुछ बोले एक इतना बड़ा स्टार बन जाना, आई डोंट थिंक कि और कोई भी सुपरस्टार WWE के रोस्टर में कर सकता है। और ना ही सिर्फ इतना बल्कि यही चीज ब्रॉक लेसनर इतने सालों से कर रहे हैं, तो जो उनका एफर्ट है इस कंपनी के लिए वो होना चाहिए डेफिनेटली अप्रिशिएट। इसका मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर एक काफी अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन WWE के लिए शायद उनका ऐसा प्यार नहीं है जैसा कि बाकी सुपरस्टार्स का हो सकता है, जैसे कि डैनियल ब्रायन का, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ यूनिक ऑफर करते हैं जो बाकी कोई नहीं करता। अगला क्वेश्चन आता है, यू कैन ब्रिंग एनी सुपरस्टार फ्रॉम एनी एरा फ्रॉम एनी कंपनी इन देयर प्राइम टुडे, Who would it be? Please answer this one. अगर मुझे किसी को अपनी प्राइम से लाना हो इस समय तो मैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को देखना चाहूंगा, क्योंकि जो उनका इम्पैक्ट रहा था उस समय पे रेसलिंग फैंस के ऊपर, मैं उस चीज को रियल लाइफ में लिव करना चाहूंगा। ऑब्वियसली वो होने नहीं वाला कभी भी, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता मेरे पास तो मैं ऑस्टिन का नाम लेता। ब्रो, मेनी फैंस से WWE प्रोडक्ट इज शिट, यस इट वॉज इन 2019, बट आई थिंक राइट नाउ मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन आर गोइंग ऑन लाइक बेली, साशा, रोमन, जे, ड्रू, रैंडी ऑर्टन, आई थिंक WWE प्रोडक्ट इज बेटर इन लास्ट 2-3 years, योर ओपिनियन on this। भाई देखो, मैं जब शो को देखता हूं तो मैं उसको ऊपर से लेकर नीचे तक जज करता हूं। मैं ये बिल्कुल भी बात को जो है वो गलत नहीं बोल सकता कि जो मेन स्टोरी लाइंस इस समय WWE की चल रही हैं चैंपियनशिप्स के लिए वो अच्छी चल रही हैं, पहले से काफी बेटर चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम WWE को देखें तो बहुत सारी लॉजिकल चीजें और सेंसलेस चीजें अभी भी हमें शो के अंदर देखने को मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि 2019 में वो चीज बहुत अच्छी थी, वो कब से चला आ रहा है और वो ट्रैक जो है वो पिछले 6-7 सालों से वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि 6-7 साल पहले WWE की हर एक चीज पूरी परफेक्ट होती थी, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि हर एक चीज पूरी परफेक्ट हो, लेकिन एटलीस्ट जब मैं एक रेसलिंग शो देखता हूं तो मुझे यह है कि मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट ना करा जाए, मतलब मुझे समझ आना चाहिए कि जो चल रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। अब चाहे वो लॉजिक थोड़ा सा बेकार क्यों ना हो, सेंस थोड़ी कम बने, लेकिन एटलीस्ट लॉजिकल पॉइंट्स तो हो। लेकिन आजकल जो हमें स्टोरी लाइंस देखने को मिलती है उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, कुछ भी कर देते हैं, 2 हफ्ते तक स्टोरी चलती है उसके बाद उसे एकदम से बंद कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजकल पसंद नहीं आती हैं, लेकिन डेफिनेटली जो 2020 में मेन इवेंट वाली स्टोरी लाइन चली हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी रही हैं WWE के लिए। व्हाट डू यू थिंक, हुज प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन बेटर नाउ, WWE और AEW, एंड व्हाई? भाई देखो, यहाँ पे फिर से वही वाली बात आती है कि कंपैरिजन हमें क्यों करना है कि WWE बेटर चल रही है, AEW बेटर चल रही है। हर बंदे को बेटर की डेफिनेशन अलग लगती है और वो अपने हिसाब से देखता है कि उसको क्या पसंद है। तो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन जरूर इसके बारे में कमेंट्स बता सकते हैं, पर मैं वो चाहूंगा नहीं क्योंकि वो एक फिर से डिबेट वाला पॉइंट है। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि AEW WWE में डिबेट आखिर क्यों करनी है, मैं तो दोनों शोज देख रहा हूँ, मैं सारी चीजें देख रहा हूँ और मैं उसे इंजॉय कर रहा हूँ, और कभी भी कुछ मुझे पसंद नहीं आता तो मैं उसकी बेइज्जती भी करता हूँ, अब चाहे वो AEW हो या WWE हो, क्योंकि मैंने चैनल बनाया इसलिए था कि मैं आप लोगों को अपने ओपिनियन दे सकूँ।
और अगर मैं ओपिनियन वो क्लियरली नहीं देता, अपने ऑनेस्ट नहीं देता, तो आई थिंक मैं अपने एंड से आप लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आके आपको खुश करना चाहते हैं, आपको अच्छी अच्छी सुनाना चाहते हैं कि भाई ये तो मस्त था, बुरी चीज़ों से उनको फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप बुरी चीज़ों को हटा के सिर्फ अच्छी चीज़ें ही देखेंगे तो शो ऑब्वियसली आपको बेटर लगेगा। लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ों को देखेगा, और अगर जो चीज़ें हैं वो खराब ज़्यादा हैं और अच्छी कम है तो मैं शो को बेकार बोलूंगा, अगर उल्टा है तो मैं शो को अच्छा बोलूंगा। सिंपल एज दैट। और यही मैं आपको राय भी देता हूँ कि अगर आप ये कंपेयर करके चलेंगे कि अभी WWE का प्रोडक्ट बेटर चल रहा है या AEW का प्रोडक्ट बेटर चल रहा है, तो आप दोनों को इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट में काफ़ी सारा डिफरेंसेज है और दोनों की अप्रोच जो है आगे फ्यूचर के लिए वो काफ़ी अलग है। अच्छे क्वेश्चन थे आपके, थैंक्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है रेसल मीडिया की तरफ से, वाई रेटिंग्स ऑफ NXT एंड AEW आर गेटिंग लो डे बाई डे। भाई इसका आजकल का जो सबसे बड़ा रीजन चल रहा है वो तो है US इलेक्शंस जो कि आने वाले हैं नवंबर में, और न्यूज चैनल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रेटिंग लेकर जा रहे हैं, फॉक्स न्यूज हो गया, CNN हो गया, और ये सारे US के जो चैनल्स हैं। लेकिन AEW और NXT, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी रेटिंग इसलिए कम होती है क्योंकि जब ये कॉम्पिटिशन में आते हैं तो व्यूअर स्प्लिट हो जाते हैं, आधे लोग AEW देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग NXT देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वेडनेसडे पे सिर्फ डायनामाइट का ही शो एयर हो तो हमने देखा है कि वो ऑलमोस्ट मिलियन या फिर उससे ऊपर भी पहुंच जाते हैं, और वो तभी होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं होता। तो कॉम्पिटिशन मेन रीजन है कि आखिर फैंस क्यों ऐसे डिवाइडेड तरीके से शोज को देखते हैं। हो सकता है वही फैंस जो NXT लाइव देख रहे हैं बाद में जाके AEW देखते हो, हमें वो चीज़ पता नहीं चलती, लेकिन व्यूअरशिप इनकी डेफिनेटली थोड़ी और ज़्यादा आती और फैंस इन शोज में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते तो मज़ा शायद ज़्यादा आता। Will NXT send Undisputed Era on the main roster? अभी के हिसाब से तो मुझे इसका कोई प्लान नहीं लग रहा, क्योंकि उनको बड़े स्टार्स चाहिए अपने शो पे AEW के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए, क्योंकि रेटिंग्स जो है वो NXT की 95% ऑफ द टाइम्स AEW से कम आती हैं, और अगर अभी Undisputed Era जैसी एक बड़ी फैक्शन NXT से चली जाती है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हेन विल जेम्स एल्सवर्थ रिटर्न? भाई ये ऑब्वियसली आपने भी ऐसी इमोजीज के साथ क्वेश्चन पूछा है और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और मैं चाहूंगा भी क्यों जेम्स एल्सवर्थ को वापस देखना, तो इसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। KRN का अगला क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी चांस ऑफ सीइंग द फिंड वर्सेस ब्रेव वायत जस्ट लाइक वी हैड सॉ द केन वर्सेस इम्पोस्टर केन? प्लीज आंसर माई क्वेश्चन और यू विल नेवर सी इट कमिंग। ओके, दिस वॉज अ चैलेंज और इसीलिए शायद मैंने क्वेश्चन भी लिया। लेकिन जो भी है, फिंड वर्सेस ब्रेव वायत ऑब्वियसली होने का चांस है, WWE कुछ भी कर सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज के ज़माने में फैंस इसको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर से हम यही बोलेंगे कि लॉजिक कहाँ है, सेंस कहाँ है? हमने कहा कि मास्क के नीचे ओटिस आया, हम जानते हैं वो ओटिस है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई। क्या आप सोच सकते हैं फिंड के अगेंस्ट ब्रे वायत का मैच हो रहा है और हम यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं? तो मैं ये चीज़ देखना नहीं चाहूँगा। ये 15-20 साल पहले जब हम फैंस बेवकूफ़ थे और बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तब चीज़ें अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन आई डोंट थिंक आज ये जो चीज़ें हैं इतनी अपीलिंग लगेंगी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अमन पटेल की तरफ से, पूछते हैं व्हाट इज द प्लान फॉर फिंड एट हेल इन अ सेल एज लास्ट ईयर ही वाज इन द मेन इवेंट ऑफ द शो? भाई देखो, अभी तक फिंड का कोई मैच तो अनाउंस नहीं करा गया, और मुझे जहां तक लगता है अगर उनकी कोई अपीयरेंस होगी तो वो किसी मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि वो रॉ पे हैं तो WWE चैंपियनशिप मैच एक बड़ी जगह बन सकती है जहां पर फिंड अपनी एंट्री करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पूरे शो पे हमें देखने को ही ना मिले, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर होगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे संजीव की तरफ से, पूछते हैं योर फेवरेट WWE थीम सॉन्ग। भाई देखो, ऑल टाइम फेवरेट थीम सॉन्ग की बात करो तो मैं कहूंगा अल्टर ब्रिज वाला जो एज का गाना है वो मेरा फेवरेट थीम सॉन्ग है, और उसके अलावा भी कई सारे थीम सॉन्ग है। जॉन सीना का थीम सॉन्ग obviously it's an iconic song, Shawn Michaels का, Triple H का, काफ़ी सारे थीम सॉन्ग्स मुझे पसंद आते हैं, जेफ हार्डी का एब्सोल्युटली अमेजिंग थीम सॉन्ग है, लेकिन एक अगर मुझे चुनना हो तो मैं एज का थीम सॉन्ग चुनूंगा। What will be the end game of Ray Seth's feud? भाई अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं डेफिनेटली आपको बताता, क्योंकि WWE को भी शायद अभी ये पता नहीं है, इतनी लंबी ये फ्यूड चल रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन एंड मुझे लगता है इसका ये होगा, Seth Rollins as the Messiah will be ऑल ओवर, और रे मिस्टीरियो और उनकी फैमिली को पूरी विक्ट्री मिल जाएगी। हो सकता है कि मर्फी जो है वो मिस्टीरियो की फैमिली की साइड पे अपनी पॉजिटिव चीज़ें दिखाने में सक्सेसफुल रहें और उनको अलिया मिल जाए, या फिर उनके साथ जो अलिया की फ्रेंडशिप है वो बेटर हो जाए, और वो चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। कैन वी सी टेकर वर्सेस फिंड एट रेसलमेनिया 37? भाई होने को कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर अंडरटेकर किसी एक मैच के लिए वापस आएंगे तो वो रेसलमेनिया में ही होगा, और तब होना चाहिए जब क्राउड हो, क्योंकि मैं वही चीज़ देखना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट थंडर डोम में अंडरटेकर आके मैच दे रहे हैं, या फिर बिल्कुल खाली अरीना में टेकर का मैच हो रहा है, आई डोंट वॉन्ट दैट। और बोन यार्ड जैसा सिनेमैटिक मैच भी एक और मैं नहीं देखना चाहूँगा।
इनफैक्ट रेसलमेनिया में अगले साल क्राउड आने का अगर चांस नहीं बनता तो फिर अगर अंडरटेकर आते हैं तो वो देखी जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा अगर एक मैच के लिए सिर्फ उनको वापस आना है तो किसी के साथ भी हो, फिएंड के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो क्राउड के सामने होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है रुपेश कुमार की तरफ से, ब्रो व्हेन विल इंडस शेयर एंड जिंदर महाल रिटर्न। अब जिंदर महाल को अपनी इंजरी से रिकवर करने में थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली चाहिए और वो उसके पाथ पर है और मुझे लगता है काफी जल्दी हमें वो देखने को मिलेंगे, हो सकता है इस साल के एंड तक या फिर अर्ली 2021। और जहां तक इंडस शेयर की बात है, उनको क्या आखिर बुक करा जा रहा है, क्या वो इंजर्ड है, मुझे इतना भी नहीं पता। आई डोंट थिंक कि वो इंजर्ड है, क्या उनको यूज करा जा रहा है, आप लोग ही मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पिक करा पर अब मैं सोच रहा हूं इस बारे में तो इंडस शेयर का मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, इतने समय से उनको देखा ही नहीं है, क्योंकि जो न्यूज है शायद वो भी रिसेंटली कुछ आई नहीं है। तो जो मुझे लगता है कि इंडस शेयर को शायद यूटिलाइज नहीं करा जा रहा अभी टीवी पर, और जिंदर महाल इज डेफिनेटली इंजर्ड। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं श्रेयस की तरफ से, आप किस मैच के लिए एक्साइटेड हो हेल इन अ सेल में? भाई गिनती के चार मैच तो अनाउंस है और उनमें से मैं जिस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है रोमन रेंज वर्सेस जे उसो और साशा बैंक्स और बेली का मैच। ये दोनों मैचेस मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के सिर्फ मैं रिजल्ट के लिए फोकस्ड हूं, क्योंकि वो मैच हम पहले तीन बार देख चुके हैं तो उतना उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैच की बात करी जाए तो रोमन वर्सेस जे उसो और साशा बेली का मैच मैं देखना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है संतोष की तरफ से, इफ ड्रू मैकइंटायर रिटेन्स हिज टाइटल देन हु इज ड्रू मैकइंटायर्स नेक्स्ट चैलेंजर? जैसा कि मैंने कहा, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस मैच रिजल्ट, लेकिन ड्रू मैकइंटायर मेरे हिसाब से जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे, मेरे हिसाब से नहीं जीतेंगे और हार जाएंगे अपना टाइटल रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। प्रेडिक्शंस जो है वो कल आएंगी स्मैकडाउन के बाद, क्योंकि भाई अभी थोड़े तो और मैचेस अनाउंस हो जाए, कुछ अनाउंस ही नहीं है, क्या प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर मैकइंटायर जीत गए, तो जो उनका अगला कंटेंडर मैं देख सकता हूं पॉसिबली रॉ के ऊपर, ही इज द फीड, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर इज अ बेबी फेस, फीड इज अ हील और ए टॉप फ्यूड बन सकते हैं बिल्कुल मैकइंटायर के लिए, पर जैसा कि मैंने कहा, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू रिटेन। अगला क्वेश्चन आता है आशुतोष की तरफ से, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रेट्रीब्यूशन? भाई क्या कमाल का सवाल पूछा है, और ये मेरा भी सवाल है WWE से कि व्हाट इज द फ्यूचर, इज इट ब्राइट और इज इट डल? क्योंकि जो मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिला रेट्रीब्यूशन के साथ, भाई कचरा कर दिया, पैर रख के दबोच दिया उसको, और अब रेट्रीब्यूशन क्या उससे वापस आ सकती है, क्या उभर सकती है, पता नहीं। लेकिन रेट्रीब्यूशन का अभी रॉ के बाद जो मुझे फ्यूचर लग रहा है वो कुछ खास नहीं लग रहा। उम्मीद करता हूँ WWE के पास कुछ अच्छे प्लान्स होंगे उनके लिए और एक बढ़िया फैक्शन वो बन पाएंगे फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन आता है ध्वनित की तरफ से, अरे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू यू AEW को क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे उनका हल TNA और WCW जैसा ना हो? इसके लिए एक ही चीज करनी सबसे बड़ी जरूरी है कि उनको ये सोच के नहीं बैठ जाना कि हम WWE को हराना चाहते हैं, और उनका गोल WWE को हराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो वही काम करेंगे जिससे WWE को चोट पहुंचे और उनकी खुद की कंपनी आगे नहीं ग्रो कर पाएगी। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी जो कि WCW और TNA ने करी, उन्होंने सोच लिया आते कि हम WWE को हराना चाहते हैं और ये हमारा गोल है, लेकिन आई डोंट थिंक AEW के दिमाग में वो दूर दूर तक बात है, वो बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, अपनी कंपनी को ग्रो करते हुए जा रहे हैं और उनको पता है कि अगर हमने कोई गलत स्टेप लिया तो आगे उसके क्या हमें कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं, क्या उसका नतीजा हो सकता है जो कि हमारी फेवर में अगर नहीं गया तो हमारी कंपनी को बुरे तरीके से नुकसान होगा, और वो एक ऐसी चीज है जिस पर उनको फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आदर्श की तरफ से, ये पूछते हैं WWE क्राउड्स कब लाएगी वापस जैसे AEW कुछ कैपेसिटी में फैंस को ला रहे हैं? अब मेरे हिसाब से WWE ने जब थंडरडोम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है वो October 31 तक है। अब मैंने कोई ये न्यूज अभी तक तो नहीं देखी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है या फिर WWE थंडरडोम में ही रहने वाली है, तो अगर वो थंडरडोम से बाहर निकलते हैं और कोई और अरीना लेते हैं या फिर थंडर डोम वाला पूरा प्लान को हटाते हैं तो शायद हमें देखने को मिल सकता है कि फैंस कुछ कैपेसिटी में वापस आ जाएं। और आई डोंट नो कि WWE को बात पहले से पता थी कि AEW फैंस लेकर आने वाली है और फिर उन्होंने थंडर डोम का डिसीजन लिया, क्योंकि ये चीज हमें कभी पता लगेगी नहीं। लेकिन अगर मुझे एक प्रिडिक्शन करनी हो, एक कोई गैस है, मेरे को कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन मैं शायद ये बात सोच रहा हूँ कि हमें नवंबर में कुछ कैपेसिटी में फैंस देखने को मिल सकते हैं इन WWE। अगला क्वेश्चन आता है कल्पना की तरफ से, ब्रो सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर को कौन इंटरप्ट कर सकता है, क्या वो फीड हो सकते हैं? प्लीज आंसर दिस ब्रो, योर बिग फैन, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और अंडरटेकर के बारे में कुछ रूमर्स आए थे कि अंडरटेकर आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में, ऑब्वियसली 30 साल हो गए उनको इस बिजनेस के अंदर और सर्वाइवर सीरीज 1990 में उन्होंने अपना डेब्यू करा था, तो क्या यहाँ पे वो आएंगे 2020 में? डेफिनेटली आ सकते हैं, एक अपीयरेंस देख सकते हैं, एक प्रोमो कट करने आ सकते हैं
और क्या उनको कोई इंटरप्ट करेगा, क्या वो फीड हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कोई भी हो, लेकिन वो रेसलमेनिया के लिए एक हिंट हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकता है, वो फीड हो सकते हैं। उसमें मैं कोई ज़्यादा शौक नहीं होऊंगा कि अगर ऐसा हो गया, पॉसिबिलिटी उसकी है, लेकिन पहले ये तो पता लगे कि अंडरटेकर ने आना है या फिर नहीं आना, और WWE के लिए क्या उनके प्लान्स हैं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे निश्चय की तरफ से, पूछते हैं ब्रो अकॉर्डिंग टू यू हु इज गोइंग टू विन IPL 2020। भाई IPL के जो टॉप फोर हैं जो मुझे लगता है प्लेऑफ में जाएंगे, वो है मुंबई, दिल्ली, RCB और पंजाब। और मुंबई को मैं डेफिनेटली जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। आई थिंक कोई ऐसा बंदा जीतना चाहिए जो पहले कभी नहीं जीता, और अगर मुझे एक पिक करना है तो मैं दिल्ली को पिक करूंगा, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा सीजन भी जा रहा है उनका, उम्मीद करते हैं कि वो इस साल को IPL को जीत पाएंगे। और फिर आज का फाइनल क्वेश्चन आता है गाइस रोहित की तरफ से, और ये पूछते हैं यार तुमको क्वेश्चन क्या करूं, तुम आंसर तो करते नहीं हो, तो फिर क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा, चलो एक रैपिड फायर का जवाब दे दो। मतलब क्वेश्चन पूछना भी है और नहीं भी पूछना, और वॉट एवर, लेट्स डू दिस रैपिड फायर। और एक पॉजिटिव पे खत्म करते हैं आज की Q&A को, जॉन सीना वर्सेस हल्क होगन। आई विल पिक जॉन सीना भाई, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा जो है देखा है। ब्रॉक लेसनर वर्सेज बॉबी लैशली, डेफिनेटली लेसनर। पंक वर्सेज रॉलिंस, डेफिनेटली CM पंक। अंडरटेकर वर्सेज ड्रू मैकइंटायर, आई विल से अंडरटेकर। इसमें क्या कंपैरिजन, मतलब ये तो एक ओल्ड जनरेशन वर्सेज न्यू जनरेशन वाली बात हो गई, और ड्रू मैकइंटायर का क्या ही कोई कंपैरिजन है अंडरटेकर से। ट्रिपल एच वर्सेज AJ स्टाइल्स, आई वुड पिक ट्रिपल एच। ब्रे वायट अगेंस्ट एलिस्टर ब्लैक, आई विल पिक ब्रे वायट, क्योंकि जो उनकी जीनियस है रेसलिंग की वो मुझे बहुत पसंद है, उनको WWE में दिखाया भी बहुत बेटर जाता है। जबकि एलिस्टर ब्लैक मुझे लगता है कि एक कमाल के रेसलर है, उनको अभी बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा इससे पहले कि ब्रे वायट से उनका कंपैरिजन हो। RVD वर्सेज जेफ हार्डी वर्सेज जॉन मॉरिसन, जेफ हार्डी आई विल पिक, इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। द रॉक वर्सेज रोमन रेंज रेसलमेनिया 37, होने का पूरा चांस है, हो भी सकता है। जीतेगा कौन, मैं अभी इतनी जल्दी प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कोई फायदा है नहीं। वैसे इनफैक्ट मैं कहूंगा ये जो रैपिड फायर था, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका आपस में कंपैरिजन होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपका क्वेश्चन जो था मैंने ले लिया, क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं आपका क्वेश्चन कभी लेता नहीं हूं। लेकिन इस जो बात है इस पे हम खत्म करेंगे आज का Q&A गाइस। थैंक यू फॉर ऑल योर क्वेश्चन, मजा आया बहुत हमेशा की तरह आपके आंसर्स देख के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं लिए गए, कॉमेंट्स में आप फटाफट से जा सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।